राजद में कब तक है? राजद में कब तक है की बात नहीं है, मेरा राजद से कोई अब संबंध रहा नहीं है, और आने वाले समय में हम लोग बात करेंगे क्या है, क्या करना है नहीं करना है, समय आएगी मैं आप लोगों से। आपने मुख्यमंत्री से बातचीत किया है, क्या कुछ निर्णय लिया गया? अगला चुनाव बढ़ेंगे जिसे मेरी मुलाकात हुई है, मगर क्या बात हुई है थोड़ी हम आपसे। आप जेडीयू कब ज्वाइन कर रहे हैं? अभी थोड़ी कोई बात हुई है, आपके साथ बात होगी, उसके बाद कब ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे ये तो बात। पार्टी के अंदर बहुत सारे विधायक हैं जो नाराज चल रहे हैं, जिनसे आपकी बात होती है? बिल्कुल बहुत सारे हैं। क्या ऐसी पार्टी में वजह है? हाल ही में चुनाव भी हुए थे तो कहीं ना कहीं असर नहीं दिख रहा था। किस चीज़ का? मतलब पार्टी में प्रभाव नहीं दिखा था इसलिए काफी विधायक नाराज हैं कि कोई और बात है? नहीं नहीं, बहुत सारे विधायक नाराज हैं, उस तरह वहाँ जिस तरह से पार्टी चलती है उससे बहुत लोग नाराज हैं। मैंने बताया ना कि सारे जितने भी लोग लोकसभा के चुनाव लड़े थे, कई लोगों ने, कई कैंडिडेट ऑफिशियल कैंडिडेट्स ने आकर के बाद में जब मीटिंग हुई तो शिकायत किया कि किस किन लोगों ने गद्दारी का करने का काम किया, किन लोगों ने ऑफिशियल कैंडिडेट का ओपनली विरोध करने का काम किया। सारे जगह से आश्वासन मिला कि नहीं, उसमें अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तक कि मैंने अभी आप देखा होगा आपने कि यहाँ तक कि प्रतिपक्ष नेता जो RJD के भी लीडर हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, उनके बारे में भी गलत तरह से, गलत ढंग से कहा गया ये नेता सुस्त नेता है, दो घंटा वर्क नहीं कर सकता है, दो ही मीटिंग करने के बाद लेड़ू आ जाता है, ऐसी बातें, गलत बातें भी की गई। मगर उन लोगों पर कार्रवाई, छोड़िए उन लोगों को एक तो शो कॉज नोटिस भी नहीं किया गया। तो इस तरह से क्या पार्टी चल सकती है बिना अनुशासन? कुछ लोगों को पूरी छोट दे दी जाती है, ऐसे ऐसे बात करते हैं जिसे लोगों को अपने आप पर एम्बेरसमेंट होने लगता है कि किसे कैसे कैसे लोग हम लोगों के पास है। जेडीयू क्यों आपको पसंद पड़ा? अब जेडीयू क्यों पक्षपात होता है कि आरजेडी में? मैंने आपको बताया कि नीतीश कुमार जी के कार्य से बिहार के ही लोग नहीं, बाहर भी पूरे भारत के लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। जिस तरह के हालात थे जब मुख्यमंत्री बने थे, उस समय के हालात में अगर नीतीश जी जैसे मुख्यमंत्री नहीं होते तो बड़ी परेशानी होती बिहार में। ना रोड की व्यवस्था ठीक थी, ना बिजली की व्यवस्था, कानून की व्यवस्था, कानून व्यवस्था को आप समझ ही रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से प्रभावित निश्चित रूप से, पहले भी भले ही मैं विपक्ष में था, उनके खिलाफ था, मगर उनके कार्यों से प्रभावित। आप कह रहे हैं कि पक्षपात होता है, तो क्या उस पर तेजस्वी यादव कार्रवाई नहीं करते थे पार्टी में? पक्षपात यदि होता तो बात की सुनवाई ही नहीं होती, कार्रवाई की कौन बात। मैंने आपको कहा ना कि यहाँ तक शो कॉज नोटिस भी नहीं किया गया कि आपने क्यों ऑफिशियल कैंडिडेट का विरोध किया। विरोध करना तो अलग, उनके बारे में भद्दी भद्दी बातें कही गई ओपनली, उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।